अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपके चैनल नया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम आपको मक्के की रोटी बनाना सिखाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनती है, आपको बेशक पसंद आएगी, बहुत ही लजीज बनेगी इंशाल्लाह। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने मक्के का आटा लिया है यहाँ पर 2.5 कप इस तरह से, और एक पोटैटो यानी आलू हमने बॉईल करके रखा है, इसको मैश करेंगे अच्छे से और इसके साथ ऐड करेंगे। आप चाहे तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल चॉप करके, बारीक चॉप करके। और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ धनिया, और ये अजवाइन, और 1/4 चम्मच नमक इसमें ऐड करूँगी मैं। आप चाहे तो सिक्के भी कर सकते हैं अगर आप सिंपल मक्की की रोटी बनाना चाहे तो इन सब चीज़ों को हमें यहाँ पे मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं 1-2 चम्मच यहाँ पे ऑयल ऐड कर रही हूँ, इसको भी मिक्स करना है अच्छे से इसके साथ। तो इस तरह से मिक्स करके मैं गर्म पानी ले रही हूँ, यहाँ पे बहुत गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं कि हाथ जल जाए, लेकिन गरम ही लेना है। और इसको अच्छे से मिला के इस तरह से गूंदना है जैसे हम यूजुअली आटा गूंदते हैं। इसे क्या है, बाइंडिंग होती है अच्छी मक्की की रोटी में, ये टूटती नहीं फिर, वैसे जो यूजुअली टूट जाती है मक्की की रोटी बहुत ही जल्दी से। इस तरह से ऑयल लगा के मैं इसको कवर करके रखूँगी जब तक हम और तैयारियाँ करेंगे। ये जो मैं ले रही हूँ यहाँ पर प्लास्टिक शीट फूड रैपर जो है, इसको मैं यहाँ पर लगाऊँगी रोलिंग बोर्ड पर इस तरह से कि ये चिपक जाए, बंद हो जाए, ये हिलना नहीं चाहिए। इस तरह से लगा के इस पे अब हम रोटी बेल लेंगे। तो ये जो आटा है इससे मैं ले लूँगी, जो हम आटा लेते हैं यूजुअली उससे 2 गुना ज़्यादा लेना है। इस तरह से इसको पेड़ा बना के, पेड़ा इस तरह से बनाना है दबा दबा के थोड़ा सा, ये हमारा पेड़ा तैयार है। इसको अब हम हाथ से बेल लेंगे, हमें बेलन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इस तरह से मैं हाथ से ही बेलूँगी, थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है हर एक साइड से, बिल्कुल गोल शक्ल देनी है इसकी। इस तरह से थोड़ा गर्म पानी रखा है मैंने यहाँ पे, यूज़ कर रही हूँ मैं इसको बीच बीच में ताकि इसको अच्छे से स्प्रेड कर सकूँ, अच्छी शक्ल दे सकूँ। तो गर्म पानी ही यूज़ कीजिएगा, ठंडा बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है इसमें। ये देखिए, अगर हम नॉर्मली जो हम रोटी बनाते हैं मक्की की, बिल्कुल इसी तरह से बनानी है, कोई अलग प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। और इस तरह से इसको बनाने के बाद, अच्छी गोल शक्ल देने के बाद, अब हम ये जो इसके साइड्स हैं ये भी ठीक करेंगे। इस तरह से आप देखिए, इसको बिल्कुल एक अच्छी शक्ल देनी है, एक अच्छा राउंड शेप देना है इसको। और ये जो हथेली है इससे प्रेस करना है, ये देखिए आप, इससे जो इसके ऊपर के जो निशान थे वो भी बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, रोटी हमारी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। ये देखिए हथेली का ये हिस्सा जो है, इसे इस तरह से प्रेस करते रहना है हल्का हल्का, तो इसकी शेप भी अच्छी हो जाती है और ये पतली भी बनती है रोटी। ये देखिए अब साइड्स को कैसे हमें राउंड करना है, बिल्कुल 2 हाथों को इस तरह से, 2 उंगलियों को रखना है, एक को बाहर की तरफ से, एक को ऊपर, और साइड्स क्लियर करने हैं, बिल्कुल अच्छी शेप देनी है। कोई यूटेंसिल हमें यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, हाथों से ही हम इसको अच्छा गोल बना लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी गोल रोटी ऑलमोस्ट डन है यहाँ पर। तो अब जो इम्पोर्टेंट स्टेप यहाँ पे है वो क्या है, इसको उठाना। ठीक है, तवा हमने पहले ही गर्म करने के लिए रखा था, बिल्कुल गर्म होना चाहिए। तो अब हम इसको उठा लेंगे इस तरह से, हाथ को फैला के, उंगलियों को इस तरह से इस पे दूसरे हाथ पे डाल के ये जो रैपर है उठा लेंगे आराम से, और इसको आहिस्ता से इस पे डाल देंगे। हाँ, इसमें थोड़े से क्रैक्स हो जाएंगे, या देखिए आप थोड़े से क्रैक्स हुए हैं या नहीं भी हो सकते हैं, तो इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं हाथ से इस तरह से। तो अब मैं इस पे घी लगा रही हूँ, आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं,
या आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जो आपको सूट करता है, जो आपको अच्छा लगे। तो इस तरह से खुद हिलने लगेगी तो फिर इसको पलटी करेंगे, और पलटी करने के बाद इसको यहाँ से भी हम ऑयल, घी या बटर लगा लेंगे। ये हमारी रोटी जो जब तक इसको 5 मिनट तकरीबन लगते हैं अच्छे से कुक होने में, तब तक हम दूसरी रोटी बना लेंगे। यहाँ पे इस तरह से इसको प्रेस कर करके इस तरह से बना लेना है, जैसे मैंने पहली रोटी बना के आपको दिखाई है, बिल्कुल इसी तरह से दूसरी रोटी भी दिखा रही हूँ। इसी तरह से दूसरी रोटी भी बनानी है इसको, इस तरह से हथेली से और ये साइड को फिंगर्स की मदद से हम गोल बना के इसको इसी तरह से कुक कर लेंगे। पहले देखेंगे, पहली रोटी जो है ये हमारी तैयार है। पहली रोटी जो है ये देखिए कितनी अच्छे से हमने कुक की है, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छे से कुक हुई है। तो ये दूसरी रोटी, इसको भी इसी तरह से आहिस्ता से बिल्कुल केयरफुल रह के इसको उतारना है, इस पर डाल देना है आराम से। तो हमारी रोटी बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए आप, इसको आप पलटी करेंगे बिल्कुल जैसे पहली बनाई थी उसी तरह से। ये रोटी भी मैंने आपको बना के दिखाई है, आप भी बनाइए और सबका दिल जीत लीजिए। और इसमें बिल्कुल बहुत ही कम टाइम लगता है और बिल्कुल आपकी रोटी टूटेगी नहीं। बार बार जैसे टूट जाती थी मक्की की रोटी, अब ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। आपकी रोटी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लैट, बहुत ही पतली और बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी हो जाएगी। बाकी मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।